नमस्कार। आज काफी दिनों के बाद राजस्थान के मुद्दे पर बात करने के लिए विनोद पाठक जी हमारे शो में आए हैं, और बड़ा अहम समय चल रहा है राजस्थान के लिए। खास तौर से वहां पर जो इस समय एक्टिविटीज कई हुई हैं, संघ का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, और लेकिन सबसे दिलचस्प खबर तो विनोद जी आई है कि मुख्यमंत्री और वसुंधरा दोनों कोविड से ग्रस्त हो गए हैं। जरा वन बाय वन इस पर प्रकाश डालिए। पहले तो बताइए कि ये वसुंधरा जी के और गहलोत जी के हाल क्या हैं। देखिए, ऐसा कोई इनपुट अभी तक नहीं आया है कि कोविड, बस यही सूचना आई थी कि भाई दोनों को कोविड हुआ है। और ये मानिए, सूचना भी मात्र 10-15 मिनट के अंतराल पे आई थी। पहले वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया कि मुझे जो है कोविड के पॉजिटिव आई हूं मैं, और उससे जो लोग मिले हैं वो अपनी सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। और उसी के 10-15-20 मिनट के अंदर सूचना आई कि साहब मुख्यमंत्री ने कहा मैं भी कोविड पॉजिटिव निकला हूँ, तो लोग जो है अपना थोड़ा कोविड को लेके सतर्कता बढ़ते हैं। यही तो खबर है उसके कि बाद से फिर 15 मिनट के अंतर में आया, यही तो खबर है इसमें। और उसके बाद से कोई सूचना नहीं, क्योंकि हालत कैसी है, ऐसे कोई इनपुट अभी तक जारी नहीं हुआ है। पर ये जरूर आज कुछ छपा है कि जो कोविड की ये वाली जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं बल्कि हल्के हैं और 2-3 दिन में ही लोग ठीक हो इन्फ्लुएंजा जाएंगे। जो आ रहा है, इन्फ्लुएंजा वाला। हाँ, अच्छा, तो कोई मतलब उसके उसके बाद बाद क्या कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ दोनों का? नहीं, कोई तो हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ है सच, पर ये जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि अभी मुझे कांग्रेस के एक उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता मिले थे, तो उन्होंने बोला नहीं अब तो वो ठीक है, और उसके बाद वो रिपोर्ट आई कि वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं। तो मतलब तो वो बुखार ठीक होने के बाद पॉजिटिव आए हैं। ये क्या चक्कर है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वसुंधरा और अशोक गहलोत इन सब के बीच में कोई ऐसी मीटिंग हुई हो जिसमें ये सब लोग मौजूद रहे हो, एक साथ कोविड हो गया हो सबको? क्योंकि हाँ, अटकलें अटकलें यार ये भी रहती हैं राजस्थान में कि अशोक गहलोत और वसुंधरा के बीच में एक सेटिंग है। ये तो देखिए एक सर्वव्यापी वो हो गया है, सब लोग बांटते हैं। राजस्थान में भी इस बात को लोग बड़ा प्रोमिनेंटली बोलते हैं, और दोनों का जो घर है वो भी बड़ा करीब है। मतलब जो मुख्यमंत्री आवास है वो भी आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है जो वसुंधरा राजे। एक्चुअल में क्या, वसुंधरा राजे जब भी चीफ मिनिस्टर रही हैं तो उन्होंने जिस घर में अभी वो रहती है वो छोड़ा नहीं, जो ऑफिशियल मुख्यमंत्री आवास है वो शिफ्ट ही नहीं हुई उसमें। अच्छा, और वो अपने ही घर, जिसमें अभी उन्होंने एक इन्होंने कानून भी लेके आ गए थे पिछली बार कि साहब एक्स चीफ मिनिस्टर को जो है वो जो सुविधाएं हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कुछ रोक लगाई थी, पर इन्होंने यहाँ पे कुछ बदलाव किया और उन्होंने बोला वो सुविधाएं मिलती रहेंगी, घर मिलता रहेगा। तो वो उसी घर उस में घर में जिसको पहले उन्होंने, से रहती हैं वो। हाँ उसी में रहती है जिसमें वो बतौर मुख्यमंत्री रहती थी। अब अशोक गहलोत ने फिर दूसरा आवास बनाया, या तो वो हाँ, वो पहले उनके ठीक पड़ोसी थे, सामने वाले बंगले में रहते थे। अब वो ऑफिशियल जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें शिफ्ट हो गए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान से जिस तरह से अशोक गहलोत की खटपट रहती है, वो कहीं बीजेपी वालों से कुछ रास्ता निकाल रहे हो मिलने देखिए का? फिलहाल तो ऐसा, देखिए अशोक गहलोत जी बड़े कर्मठ कांग्रेसी हैं और बार बार बोलते भी कि 50 साल से पार्टी ने मुझे दिया है, तो उनको लेके तो मुझे लगता है जैसे पहले पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री जो है कई, अभी कल भी एक रेड्डी जो है उन्होंने ज्वाइन किया आंध्रा में, पर इनको लेके मैं श्योर हूँ कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे बीजेपी। हाँ, लेकिन देखिए 50 साल से ज्यादा तो गुलाम नबी आजाद भी थे पार्टी में। गुलाम हाँ, नबी आजाद ने अपनी पार्टी बना ली, और अशोक गहलोत के बारे में तो बहुत बार चर्चा हुई है अभी कि अगर हाईकमान इन्हें फ्री हैंड नहीं देगा तो ये अलग पार्टी बनाने का भी मादा रखते हैं वहां। ये देखिए पिछले साल सितंबर में ऐसी कुछ परिस्थितियां बन गई थी, पर वो अब तो सेटल डाउन हो गई है। अभी तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि मतलब ऊंट किस ओर बैठता है, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल। अभी तो फिलहाल तो वो लगे हुए हैं कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, बड़ी बड़ी बजट घोषणाएं हैं, अभी राइट टू हेल्थ लेके आए हैं, उसको लेके कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस मुख्यालय में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। राजस्थान माध्यम से वो गुजरात को अटैक किया गया कि भाई गुजरात का मॉडल फेल है, राजस्थान का मॉडल ज्यादा अच्छा है। अशोक गहलोत को लेकर बहुत सारी अटकलें चलती रहती हैं, और देखिए जो जिस इंसान ने कांग्रेस जैसी पार्टी का अध्यक्ष पद ठुकराया है तो उसने कुछ सोच समझ हाँ के ठुकराया होगा, और कुछ उनका क्या कहते हैं एक प्लान बी जरूर रहा होगा कि अगर मेरे हाँ सामने ये बिल्कुल परिस्थिति आई
तो फिर उसके बाद मुझे क्या डिसीजन लेना है, ये बिल्कुल है। ये तो एक दबी जुबान से कांग्रेसियों ने भी स्वीकार किया कि अगर सितंबर में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि दोनों पद में संभाल लूंगा, और अगर वो था तो रिवॉल्ट निश्चित था। अगर पार्टी उस वक्त कुछ अड़ियल रुख दिखाती और इनकी ना कुछ मानकर सख्ती पूरी बरतती पार्टी तो टूटती उस समय निश्चित रूप से। हाँ, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान होता कांग्रेस में। और देखिए, कांग्रेस में तो पहले भी कई बार इस तरीके की परिस्थितियां आई हैं, भले वो चिदम्बरम हो, एनडी तिवारी हो, बहुत सारे नेता ममता बनर्जी छोड़ के गई वहां, वो उनकी जगन रेड्डी जो है वो कांग्रेस से निकल के जो है, तो ऐसे एक और बहुत। बहुत बड़ा तथ्य है, जो कांग्रेस को छोड़ के गया उसने तरक्की बहुत की है। हाँ बिल्कुल, हालांकि उम्र के मुकाम पे बड़ा अंतर ममता बनर्जी ने एक अपना अस्तित्व बनाया है, जगन मोहन रेड्डी हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा है, देखिए चीफ मिनिस्टर बन गए 7 साल बिल्कुल में ही, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उदाहरण भरे पड़े हैं कि जो कांग्रेस छोड़ के गया उसका फायदा नहीं हुआ, नुकसान बिल्कुल। नहीं हुआ। नुकसान किसको हुआ? अब नुकसान हुआ सचिन पायलट जैसे लोगों का, जो हिम्मत नहीं जुटा हाँ, पाए। जो वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो सचिन पायलट की क्या एक्टिविटीज हैं इन दिनों, क्या कर रहे हैं सचिन पायलट? देखिए, सचिन पायलट की एक्टिविटी तो फिलहाल बस इतनी है कि वो कभी कभी ट्वीट कर देते हैं और कभी कहीं चले जाते हैं शोक संवेदना जताने, कभी उन लोग उनसे मिलने चले जाते हैं पॉलिटिकली, कभी उनको लगता है कि ऊपर से कुछ शायद फायदा होगा तो बयानबाजी उनके गुट की तेज हो जाती है, फिर वो शांत हो जाते हैं। ये जरूर है कि हनुमान बेनीवाल ने कल बड़ा खुल के बोला है कि सब सचिन को मेरे साथ, आज नई पार्टी बना के मेरे साथ आ जाना चाहिए, वो पहले भी बोलते रहे हैं, हाँ हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बहुत बड़ा चमत्कार इन दोनों के साथ आने से होने वाला है। पर यह है कि थोड़ा गुर्जर वोटों का एक ध्रुवीकरण तो हो ही सकता है। हनुमान बेनीवाल की तो जो पॉलिटिक्स इस समय मुझे समझ में आ रही है वो यही है कि वो तो चाहते हैं कि मैं बीजेपी पे प्रेशर बना के रखूं, और सचिन पायलट हाँ के माध्यम से वो चाहते हैं कि मैं कांग्रेस पे भी प्रेशर बना लूं, तो जिधर भी बिल्कुल ऊंट कर बिल्कुल जिस करवट भी बैठे उसी पे ऊंट की सवारी करने का उनका तो प्रोग्राम इस तरह का रहता है हाँ। हनुमान अभी बेनीवाल। वो उनकी बेटी का बर्थडे था, अगर आपको याद होगा, 3 दिन किसकी? पहले हनुमान बेनीवाल की बेटी का बर्थडे था 3 दिन पहले, अच्छा और उन्होंने दिल्ली में शायद ही कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई छोड़ा होगा जिसको इनवाइट नहीं किया, मतलब नितिन गडकरी से लेके मोहिना मित्रा से लेके केरल से लेके असम से लेके जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात से लेके, मतलब आप नाम लो उस पार्टी का, सांसद, विधायक, ओएसडी, मतलब सब उनके, और 3 4 दिन से लगातार ये चल रहा है। वो रोज फोटो डालते हैं कि आज लोकसभा अध्यक्ष आए, गडकरी आए, मोहिना मित्रा, अरविंद केजरीवाल, मतलब कोई ऐसा नाम ही नहीं बचा जो उस बर्थडे पार्टी में ना आया हो। तो उसके बाद जो एक फोटो पार्लियामेंट है सेशन निकल का के कि पूरा वो फायदा उठाया उन्होंने, पार्लियामेंट सेशन चल पूरा रहा है सारे पूरा एमपी दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, और मतलब लोग जयपुर से भी, पूरे राजस्थान, मतलब कोई ऐसा बचा ही नहीं कि जो उसमें ना गया हो उस बर्थडे पार्टी में, और 3 दिन से चल रहा है वो। रोज लोग घरों पे भी जाके बधाई दे रहे हैं, मतलब वो बर्थडे पार्टी के अलावा भी दौड़ जाती है। तो एक कयास ये निकल के आ रहा है कि साहब वो आम आदमी पार्टी से थोड़ा नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और गठबंधन कर सकते हैं राजस्थान में, तो आम आदमी पार्टी को भी कोई चाहिए स्तर रखने, मतलब आम आदमी कंधा। पार्टी की खबर मैं बताता हूं आपको, दिल्ली में इस समय क्या है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अंदर खाने सेटिंग हो गई है। आप कांग्रेस ने इनसे ये कह दिया है कि भैया ऐसा है, दिल्ली में तुम 2 बार से अकेले लड़ रहे हो चुनाव, हाँ और तुम्हारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बन रही है दोनों बार से दिल्ली में, उसके हाँ बावजूद भी आप हाँ एक लोकसभा सीट आज तक दिल्ली में नहीं जीत पाए। तो देखिए, इस बार सेटिंग ये हुई है कि 3 या 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 या 4 हाल कांग्रेस लड़ेगी। इसी ही में तरह से याद कांग्रेस होगा, ने एक बात और भी कही है इनसे कि आप भाई कर्नाटक में जाओ, तुम्हारा कर्नाटक में कुछ नहीं होने वाला, तुम हमारा नुकसान करोगे। तो ये केजरीवाल कर्नाटक भी नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस से तो सेटिंग हो हाँ चुकी है केजरीवाल की। नहीं, ये देखिए, जब से ये मनीष सिसोदिया को जेल में डाला है ईडी ने, और तब से इनका थोड़ा सा आप देखिए, वो भ्रष्टाचार का जो एक बड़ा मुद्दा था उस पे उछल के कांग्रेस के पाले में आ गए हैं। बिल्कुल दूसरी चीज, एक पिछली बार ये रोते रहे बार बार, एक दिन गाली देते थे कांग्रेस को कि बिल्कुल कांग्रेस जो है भ्रष्ट पार्टी है, फिर कहते थे गठबंधन कर ले, फिर गाली देते थे, कांग्रेस मना करती थी। पर देखिए, जब लोकसभा चुनाव में पिछली बार भी ये बात उठी थी कि साथ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यही बात कुछ यूपी को लेके भी थी, पर बीजेपी ने तो लोकसभा की 7ों सीटें जीती थी, वो 50% से अबव वोट लेके जीती थी। अगर ये पिछली बार भी साथ आ जाते तो इनका कुछ भला होता नहीं, और वो है ही नहीं वोटर का समीकरण, माइंडसेट जो है ना, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में समीकरण बनता ही नहीं है इनका।
हाँ, तो इसलिए अभी साथ आ जाएंगे तो जनता को भी पता चलेगा कि जो एक एंटी करप्शन मूवमेंट और इन सब को लेके वो सब हवा है, अभी ऐसे प्योर राजनीति में उतर आए हैं। और देखिए मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिख दी कि प्रधानमंत्री को अब पढ़ा लिखा होना चाहिए, मनीष सिसोदिया को लेके चल रहा है कि वो अखबार भी पढ़े हुए हैं। और क्या, उन्होंने डिप्लोमा किया जर्नलिज्म का भी, 6 महीने वाला। एक और कमाल देखिए, इनका एक विधायक है नरेश बालियान, बालियान करके, उसको हाँ, नवादा का विधायक है। ऑफिशियल मैंने एफिडेविट देखा है, वो 9वीं पढ़ा हुआ है, 9th क्लास तक वो रोज ज्ञान देता है कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे तो हीरे और वो भरे पड़े हैं इनकी पार्टी में। और ये इनकी स्ट्रेटेजी जो है, ये पॉलिटिकल जितने भी मैंने देखता हूँ डिबेट्स होती हैं रोजाना, उसमें ये समझ से बाहर है लोगों की कि प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा साबित करके अरविंद केजरीवाल को क्या बेनिफिट हो जाएगा। ये तो कुछ इसका कोई परसेप्शन क्या क्रिएट करना चाहते हैं, इसका माइलेज क्या लेना चाहते हैं, ये खुद ना केजरीवाल जानते शायद। देखिए ये इंदिरा गांधी को अब सबकी वो निकाल के ले आए हैं, तो देखिए सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, वो आज बिल्कुल सब कुछ बाहर आ जाता है उसमें। इंदिरा गांधी शायद 11वीं पढ़ी हुई थी, राजीव गांधी 12th पढ़े हुए थे, हाँ या आप जो मिड डे मील योजना चलती है देश में, सबसे पॉपुलर स्कीम है स्कूल्स में बच्चों को रोकने की, वो के कामराज लेके आए थे जो कांग्रेस के बड़े लीडर हुए, वो मतलब ऑलमोस्ट अनपढ़ थे। और अनपढ़। एक बात और ये कि जितने भी आज सफल लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, भले बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, स्टीव जॉब्स थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी की हो, सब हाँ, कोई ड्रॉप आउट्स प्रॉपर थे। डिग्री हाँ, नहीं ली किसी ने, सही बात है। तो ये कोई पैमाना तो है नहीं कि साहब आप पढ़े लिखे ज्यादा हो गए तो आप लीडरशिप होगी। हमने इतने साल अखबार में काम किया, मैं तो मात्र ग्रेजुएट हूँ, पर पीएचडी भी हमारे अंडर में काम करके चले गए, तो हाँ सही, उसका मतलब है कि पीएचडी को हमारे ऊपर काम करना चाहिए था, पर वो हमारे अंडर में काम कहीं पीएचडी आके चले गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही तो खूबसूरती है कि इसमें जो है आपकी जो हुनर है, आपका स्किल है, उसकी वैल्यू है, डिग्री की कोई इतनी वैल्यू बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उनकी उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, जरा ये तो बताइए। देखिए, पिछले महीने ही उनको गद्दी मिली है और अभी तो फिलहाल वो घूम घूम के स्वागत में ही, ज्यादा तो स्वागत ही चल रहा है। अभी बीच बीच में कांग्रेस पे अटैक कर देते हैं, और कल भी उन्होंने बड़ा एक सख्त बयान दिया कि तालिबान बना के, मतलब तालिबानी शासन चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि हाँ उदयपुर में आपको याद होगा धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ बोला था कुंभलगढ़ किले को लेके, तो उस पे केस भी दर्ज हुआ था, और वहां अभी धार्मिक झंडों को लगाने को लेके एक धारा 144 और परमिशन ली जाएगी, तो उसको लेके बीजेपी बड़ी अटैक की, उन्होंने भी उसमें अटैक किया है और नई अपनी टीम बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2 4 दिन में अपनी नई टीम भी बना लेंगे। और एक बयान जो बड़ा वो बार बार दे रहे हैं कि साहब मेरा स्वागत मत करो, मेरे नारे मत लगाओ, मोदी जी की चुनाव के होर्डिंग लेके आओ, उनका स्वागत करो, इस टाइप से वो बात कर रहे हैं। तो अभी बहुत मीडिया से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं और ज्यादातर स्वागतों में ही बिजी हैं। जब से अपने क्षेत्र में गए थे वहां स्वागत हो गया, अभी कल संघ का जो प्रोग्राम चल रहा है जयपुर में उसमें भी थे वो, तो फिलहाल वो जयपुर में थोड़ा सा एक्टिव है, जयपुर में घूम रहे हैं। और चूंकि सांसद हैं तो आपको पता है कि वो निवास अभी उनका दिल्ली में ही है, चित्तौड़ से सेकंड हाईएस्ट वोटों से जीते थे वो, तो फिलहाल तो उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा मैं कहूंगा स्वागत में और टीम बनाने में ही अभी लगे हुए हैं। और कुछ कांग्रेस के एमएलए हैं जो विरोध के सुर अलाप रहे हैं, हाँ, वो क्या है, कांग्रेस किस में रूप से आ रहे हैं ये सुर, बताइए जरा। देखिए, मैं एक तो सचिन पायलट गुट तो है ही जो बागी सुर अपनाता रहता है, कभी कभी वो बिल्कुल सरकार विरोधी बयान देना करना, पर जयपुर में एक सीट है किशनपुर बाजार, अच्छा उसके विधायक है अमीन कागजी, उनको आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत गुट के वो है, या दो विधायक हैं जयपुर शहर से, दोनों अगल बगल की सीटें हैं आदर्श नगर और किशनपुर बाजार। तो जो सबसे मतलब मान लीजिए गहलोत के सबसे विश्वसनीय जो मंत्री है यहाँ पे वो है शांति धारीवाल, तो शांति, शांति धारीवाल कोटा से आते हैं, और कोटा में उन्होंने मतलब मानिए जैसे मुलायम सिंह जी ने सैफई को करवा दिया था, तो उन्होंने इस वक्त सारा ध्यान कोटा पे लगवा रखा है सरकार का, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिवर फ्रंट बन रहा है, पार्क बन रहे हैं, तो इसको लेके अब ये नाराजगी आई कि साहब सब कुछ तो आप कोटा ले गए,
अब लोग हमें यहाँ सोच रहे हैं कि साहब हमारा क्या हो रहा है, ना यहाँ AEN है ना JEN है, कोई भी नहीं है हमारे क्षेत्र में। पता लगा कोटा के डेवलपमेंट का पूरा फायदा ओम बिरला हाँ ने बोला उठा बोला कि कोटा से ही चुनाव जीत जाओगे, बयान तो ये था कि क्या कोटा से ही चुनाव जीत जाओगे। तो ये दर्द जो है, एक मीटिंग में अमित कागजी ने मीडिया से बातचीत में बड़ा खूब मतलब खूब खरी खोटी तरीके से उन्होंने शांति धारीवाल को लेके बोली है कि सब कुछ कोटा में ही कर लोगे तो हमें तो जनता जो है भगाएगी यहाँ से। तो ऐसे ही और भी मंत्रियों की या विधायकों की शिकायत रहती है कि सब कोटा में, ये भी बात उठी थी कि कोटा को ही राजधानी बना लो जयपुर से हटा के, अगर इतना ही है तो। सही बात है। अच्छा अब तो आप कल भी संघ के कार्यक्रम में गए थे और आज भी आपका जाने का कार्यक्रम है, जरा इसके बारे में बताइए क्या क्या चल रहा है वहां पे, क्या कार्यक्रम देखिए के। सेवा, ये राष्ट्रीय सेवा भारती जो है उनका ये प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने कुछ प्रदर्शनी लगाई है। पीरामल ग्रुप के जो चेयरमैन है वो भी कल यहाँ थे, सुभाष चंद्रा जो है वो भी यहाँ थे। तो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर है और कैसे एम्पावर किया जाए खासकर महिलाओं को, उसको लेकर है। उसमें कल संघ प्रमुख मोहन भागवत है उनका उद्बोधन भी था, जिसमें उन्होंने एक मिशनरीज को लेके भी बोला, और जो घुमंतू एक प्रजाति है हमारे यहाँ उसको लेके बोला कि कैसे उनका आजादी में स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान था जिसको भुला दिया गया। तो उसी बैठक में एक बात और, उन्हें सामाजिक समरसता की भी बात की उन्होंने, उसी में एक बात उठी कि साहब ये शंख की और इनकी अपने जो श्लोकों की आवाज ये दब गई है, अब हम दिन में 5 बार अजान सुनने को मजबूर हो गए, ये बात भी उठी उसमें। एक संत ने बोला, एक उमेश नाथ है शायद, तो उन्होंने ये बात अजान वाली भी उठाई है। तो अब ये आज कल इसका लास्ट डे है इसका, जो सेवा भारती का प्रोग्राम है। तो मेन इसका वही था कि ये तीसरा प्रोग्राम है, पहले बेंगलोर किया था फिर दिल्ली किया था, अब तीसरा जयपुर है, और काफी बड़े एरिया में इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, और मानिए 3-1 हजार प्रतिनिधि इसमें जो है भाग ले रहे हैं संघ। तो इसका राजस्थान में आयोजित करने का कोई खास वजह थी इस देखिए बार? राजस्थान में आयोजन मुझे लगता है चुनाव भी, एक जैसे बेंगलोर में किया था इससे पहले, तो मुझे लग रहा है चुनाव की दृष्टि से भी और थोड़ा सा संघ की गतिविधियां जो है वो राजस्थान में अच्छी खासी हैं, और बड़ी आप ये कह सकते हैं कि बड़ा पॉजिटिव तरीके से संघ यहाँ काम करता है, और सेवा के जो काम है वो भी काफी है। और दूसरी चीज एक और है, चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने के लिए और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए तो संघ एक बीजेपी का एक सबसे स्ट्रांग होल्ड संगठन तो है, बीजेपी को सपोर्ट करने वाला। अच्छा, यहाँ दिल्ली के मीडिया में जो है राजस्थान की जो राइट टू हेल्थ वाला जो मामला है, ये बहुत सुर्खियों में है, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ने से रिपोर्ट भी छापी है, इसके बारे में बताइए ये क्या, इसका क्या चल रहा है? ये देखिए राइट टू हेल्थ का मतलब है कि आपको स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब इन्होंने एक बिल लेके आए विधानसभा में जो पास भी हो गया, जिसमें था कि आप कोई भी इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल जो है उससे कोई भी चार्ज नहीं करेगा, अगर वो देने में सक्षम है तो वो पैसा वो बाद में दे देगा, नहीं तो सरकार उसका पैसा देगी। अब इसको लेके डॉक्टरों ने, मतलब मेन जो डॉक्टरों का कंसल्ट जो था, जो विरोध था यही था कि भाई इमरजेंसी की परिभाषा क्या है। तो इमरजेंसी की जब परिभाषा तय नहीं हुई तो डॉक्टर जो है वो हाँ ना करते हुए स्ट्राइक पे चले गए, और 16 दिन स्ट्राइक चली पूरे राजस्थान में। निश्चित प्राइवेट रूप से जो जो, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको ज्यादा ऐतराज होगा। हाँ, तो उन्होंने जो है हड़ताल कर दी 16 दिन राजस्थान में सारे प्राइवेट डॉक्टर्स, और उनके सपोर्ट में अपने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सब चले गए। मतलब ये मानिए कि 16 दिन राजस्थान में इलाज ही नहीं हुआ, ऑपरेशन टल गए, और लोग दर दर दूसरे राज्यों में जाने लगे। तो गवर्नमेंट ने बातचीत करके अभी ये जो एक रास्ता निकाला है इसमें, वो निकाला कि जो 50 बेड से बड़े अस्पताल हैं वो इसमें आएंगे, और जिनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी है, जमीन दी है या कोई ट्रस्ट का है वो आएंगे। तो अब इस समझौते के बाद हुआ यह है कि 98% प्राइवेट हॉस्पिटल्स इससे बाहर हो गए। हाँ, तो अब भाई कोई भी इमरजेंसी है तो आदमी पहले तो खोजे कि राइट टू हेल्थ लागू कहाँ पे है, सही बात है। उसमें जाए। और दूसरा यह है कि अब ये जो एक मानिए सिर्फ एक पॉलिटिकल वो बन के रह गया राइट टू हेल्थ, अगर इसको इसके मूल स्वरूप में इसको लागू करते
तो इसकी कोई बात भी थी। अब ये था कि भाई पूरे प्रदेश में 8 या 9 तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहां लागू होगा। अब उसमें ज्यादा है उदयपुर में, जयपुर में, बाकी जगह है ही नहीं। तो अगर जोधपुर में कोई आदमी बीमार होता है तो सरकारी में ही जाएगा, प्राइवेट तो हॉस्पिटल ही नहीं है कोई। इस तरह की उसके लिए तो इन्हें आवश्यकता पता नहीं क्यों पड़ी। आयुष्मान भारत में बहुत अच्छी कवरेज मिल रही है सब जगह। नहीं, यहाँ पे भी है आयुष्मान भारत का ही एक, इन्होंने क्या है, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है उन्होंने आयुष्मान भारत नाम से स्कीम नहीं चला रखी है उन्होंने। जैसे यहाँ चिरंजीवी है तो शुरू में तो इन्होंने लागू ही नहीं किया आयुष्मान भारत, जब सेंट्रल से प्रेशर पड़ा तो इन्होंने मतलब आयुष्मान पश्चिम भारत बंगाल में महात्मा भी गांधी। ममता बनर्जी ने हाँ लागू नहीं किया था वो समय, पश्चिम बंगाल में भी रुका रहा हाँ था। नहीं, यहाँ पे इन्होंने 2 साल के बाद लागू किया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना करके, फिर उसका नाम 4-5 महीने में बदल के कर लिया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना करके स्वास्थ्य योजना। उसमें अभी 10 लाख का एक इलाज की सुविधा है, जैसे आयुष्मान भारत में 5 लाख है, इसमें 10 लाख है। अब इसको बढ़ा के इन्होंने 25 लाख कर दिया है। पर लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब जो भी इलाज है सब पे कैपिंग लगी हुई है, मैक्सिमम जो इलाज है वो 1.5-2 लाख से ऊपर का है ही नहीं, तो आदमी 10 लाख को अवेल कैसे करेगा सही भाई। बात है। जैसे कुछ ये 30,000 रुपए दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को, अब 30,000 में तो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई सर्जरी कितना कर पाएगा, कितना उसको इलाज दे पाएगा। तो पर ये कि उसका प्रचार तो खूब है, आप देखेंगे फुल फुल पेज के ऐड आते हैं दिल्ली से लेके और राजस्थान सब जगह फुल फुल पेज के ऐड चल रहे हैं। चिरंजीवी है वो 25 लाख का ऐड 2 दिन से चल रहा है, ये वो 25 लाख लेगा कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है कि 25 लाख तो कर दिया आपने पर देंगे कैसे उसको। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें आयुष्मान भारत का ही कुछ पैसा भी आता है चिरंजीवी में जो सेंट्रल से मिलता है। हाँ सही बात है। तो चलिए विनोद जी, आपको संघ के कार्यक्रम में भी जाना है मुझे पता है, व्यस्त हैं आप, और आज आपने थोड़े में ही राजस्थान की पूरी, हमारी काफी दिनों के बाद बातचीत हो रही है, सारी स्थिति आपने स्पष्ट कर दी। और अगले 2-4 दिनों की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में अभी बता दीजिए क्या क्या होने जा रहा है, और फिर उस पर चर्चा करेंगे बाद में। देखिए फिलहाल तो ऐसा कोई, अभी मोदी जी आएंगे इस महीने में, ये डिसाइड हुआ है बीकानेर में एक, ये जो अपना पंजाब से लेके इन्होंने एक हाईवे बनाया है गुजरात के लिए, तो अच्छा उसका एक पार्ट जो है वो राजस्थान से गुजर रहा है, तो वो उसका उद्घाटन करेंगे जैसे दौसा में उन्होंने किया था। तो हो सकता है कुछ और भी अनाउंसमेंट हो जाए। और इसके अलावा कोई बहुत बड़ी गतिविधि नहीं है, क्योंकि सारा फोकस इस वक्त जो है सबका कर्नाटक चुनाव पे लगा हुआ है। सही बात। और जो चल रहा है तो अभी कांग्रेस के कुछ ये सम्मेलन चल रहे थे कार्यकर्ताओं के, तो मुझे लगता है वो एक्सटेंशन होगा। और बीजेपी एक जन आक्रोश दोबारा शुरू किया है इन्होंने, बीजेपी ने, तो उसकी जगह जैसे अभी पिछले दिनों भीलवाड़ा या चित्तौड़ वगैरह में इन्होंने किया था, तो अब ये उस तरीके से एक्टिव है। नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों बन गए हैं, तो वो भी एक्टिव हो गए हैं। जो गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद खाली था पद, अब उसमें राजेंद्र राठौर को बना दिया जो उपनेता प्रतिपक्ष थे, वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पुनिया, उनको उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया है। अब ये पूनिया थोड़ा सा साइडलाइन हो गए मुझे लग रहा है इस समय। नहीं साइडलाइन तो नहीं हुए, उपनेता प्रतिपक्ष जो राजेंद्र राठौर थे, वो चूंकि 6 बार से विधायक हैं वो, और ये तो ये पहली बार ही विधायक बने थे, तो आओ सीनियर भी फ्लोर विधायक, पे भी पार्ट। राजेंद्र राठौड़ भी हाँ काफी एग्रेसिव उसमें दिखते हैं, अक्सर दिखते हैं। हाँ काफी सीनियर आदमी है, इनके 6 बार से विधायक है, मंत्री रहे हैं, जब भी सरकार रही है इनके पिछले कुछ सालों में, तो 4 बार मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे पिछली बार, संसदीय कार्य मंत्री थे, तो थोड़ा जानकार माना जाता है। जो राजस्थान में कुछ चुनिंदा विधायक हैं जो रूल्स को लेके बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, उसमें से राजेंद्र राठौर है। चलिए, हमें तो अब इंतजार इस बात का है कि नेक्स्ट हेल्थ बुलेटिन कब आता है दोनों के कोविड से मुक्त होने का, और वो कितने टाइम के डिफरेंस में आता है, मुझे, मेरी तो नजर अब इस पे बनी रहेगी। धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल, विनोद जी। ओके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।